हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वुमेन्स टी20 चैलेंज के आखिरी लीग मुकाबले की, जो खेला जाएगा ट्रेल ब्लेजर्स वर्सेस सुपरनोवास के बीच में शारजा के शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 7 नवंबर को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहां आपको टॉस के बाद फैंटेसी की टीम्स मिलती है, फिर चाहे वो वुमेन्स आईपीएल हो, चाहे बिग बैश हो, कुछ भी हो, आपको सारी टीम मिलेगी मेरे टेलीग्राम के ऊपर। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वरना आप सर्च कर सकते हो द स्पोर्ट्स कॉप और मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन बिल्कुल से कर लेना। और उसके अलावा क्रिकेट की बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, वहां आपको छोटी बड़ी क्रिकेट के बारे में सारी खबरें मिल जाती हैं। आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, वहां जाके मुझे दोनों प्लेटफॉर्म आराम ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो एकदम स्लो पिच रहने वाला इस मुकाबले के अंदर भी स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा इस मैदान के ऊपर, और वापस से स्कोरिंग काफी कम रहने वाली है इस मुकाबले के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं ट्रेल ब्लेजर्स की टीम के बारे में। तो इस टीम की स्ट्रेंथ है इसकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, और पिछले मुकाबले में टीम इतना जबरदस्त खेला और इतनी शानदार जीत हासिल करी, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। वो ये मुकाबला हार भी जाएंगे तो फाइनल मुकाबला खेलेंगे मंडे को, ये बात कंफर्म है। वो इतनी अच्छी उनकी रनरेट हो चुकी है कि ये मुकाबला हारने के बाद भी वो लोग फाइनल मुकाबला खेलने वाले हैं। सोफी एक्लिस्टोन एक बहुत ही कमाल की बॉलर है, 4 विकेट निकाले पिछले मुकाबले के अंदर भी, और इस मुकाबले में लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग बहुत कमाल करने वाली है। राजेश्वरी गायकवाड़ एक और काफी अच्छी स्पिनर है, इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। वापस एक्लिस्टोन और राजेश्वरी गायकवाड़ तो काफी बड़ा पार्ट प्ले करेंगे इस मुकाबले के अंदर। झूलन गोस्वामी इंडिया के नंबर 1 बॉलर रही है, वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर रही है, और उनके बॉलिंग काफी शानदार, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। तो झूलन गोस्वामी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले के अंदर भी, और दीप्ति शर्मा एक और बहुत ही अच्छी बॉलर, इस समय अर्जुना अवार्ड भी मिला अपनी सरकार की तरफ से, अच्छी बॉलिंग करती स्पिन बॉलिंग, उसके अलावा उनकी बैटिंग भी शानदार। तो ये 4 जो बॉलर हैं ये काफी कमाल खेली पिछले मुकाबले के अंदर। बैटिंग में ड्रियाना डॉटिन ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, डॉटिन ने काफी कमाल की प्लेयर है, वेस्ट इंडीज से आती है, उसके अलावा वो बॉलिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर दे सकती है। और स्मृति मंदाना टीम कप्तान है, हालांकि वो कोई बड़ी पारी खेल नहीं पाएंगे, फिर भी स्मृति मंदाना को रन मारने पड़ेंगे। पर ट्रेल ब्लेजर्स की बात ये है, इनकी बॉलिंग जितनी स्ट्रांग है उनकी बैटिंग उतनी ही वीक, इनकी बैटिंग में तो ऑप्शन नहीं है। पिछले मुकाबले में टीम की बैटिंग टेस्ट नहीं हो पाई, अगर टीम को टूर्नामेंट जीतना हो इस मुकाबले में टीम उम्मीद करेगा कि टीम की बैटिंग अच्छा खेलेगी। इस मुकाबले में टीम टॉस जीते तो जरूर टीम को बैटिंग करना चाहिए इस मुकाबले में, फिर भी ट्रेल ब्लेजर्स के पास काफी स्ट्रांग स्क्वाड है, उनकी बॉलर्स वापस से डोमिनेट करना चाहेंगे इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं सुपरनोवास की टीम के बारे में। तो सुपरनोवास पहला मुकाबला काफी छोटे मार्जिन से हार गया था, और यहां पे वो अच्छे से जीतना पड़ेगा, वरना हो सकता है वो जीतने के बाद भी बाहर हो जाए। जरूर से ये सुपरनोवास के लिए डू और डाई मुकाबला होने वाला है। हालांकि सुपरनोवास के पास एक काफी एक्सपीरियंस स्क्वाड, काफी स्टेबल स्क्वाड है, जहां पे बैटिंग में भी अच्छे नाम है, उसके अलावा इनके पास बॉलिंग में भी कुछ काफी अच्छे नाम है। चमारी अट्टापट्टू ने बहुत ही अच्छी पारी खेली पिछले मुकाबले के अंदर, उसके अलावा वो बॉलिंग काफी शानदार, वापस से चमारी अट्टापट्टू के ऊपर सबकी जगह रहने वाली है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी बढ़िया पारी खेली पिछले मुकाबले में, हालांकि उनको बड़ी पारी खेलने की जरूरत है, वो टी20 काफी कमाल प्लेयर है, इस मुकाबले के अंदर वापस हरमन के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली है। जमाइमा रॉड्रिगेस फ्लॉप हो गई पिछले मुकाबले में, पर इस मुकाबले को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करती जमाइमा, और एक काफी युवा बल्लेबाज और काफी तेज भी खेलती है। अगर बाकी बैटिंग के बारे में बात करता हूं तो शशिकला श्रीवर्धन है एक और काफी अच्छी प्लेयर है श्रीलंका की, और वो मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छा खेलती है, उसके अलावा उनकी बॉलिंग भी काफी शानदार है। इस मैदान पे स्पिन बॉलिंग सूट होती है, और इस टीम के पास इंडिया की 2 प्राइम स्पिनर्स होने वाली है। सबसे पहली पूनम यादव, जो कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में काफी कमाल खेली थी, 10 विकेट निकाले थे उन्होंने, इस मुकाबले में पूनम यादव सबकी निगाह रहने वाली है। और राधा यादव एक और बहुत ही अच्छी स्पिनर है, वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले 6 विकेट लिए थे, तो पूनम यादव और राधा यादव को इस ट्रैक के ऊपर हेल्प निकालनी पड़ेगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा इस ट्रैक के ऊपर। और आया बोंगा खाखा ने काफी अच्छी बॉलिंग कर दी पिछले मुकाबले में, हालांकि इतनी अच्छी बॉलिंग है फिर भी उनकी बॉलिंग डिसेंट रही थी इस टीम के लिए, तो वापस से ये भी काफी अच्छी टीम लगती है। उसके अलावा शकीरा सलमान भी टीम के अंदर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलर, सुपरनोवास के पास एक स्टेबल टीम है,
एक्सपीरियंस टीम है और ये एक डू और डाई मुकाबला होने वाला है। अगर वो यहाँ पे हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे जरूर से। आप मुझे कमेंट करके बताओ उनका कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी ट्रेल ब्लेजर्स या वो टीम होगी सुपरनोवा, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली मशीन के ऊपर। अगर मेरी बात करें तो ऑब्वियस बात है, पिछला मुकाबला देख के हमको ट्रेल ब्लेजर्स काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन फिर भी ट्रेल ब्लेजर्स की बैटिंग वीक लगती है मुझे पेपर के ऊपर। वही जो सुपरनोवा टीम वाली वो पहला मुकाबला हार के आ रही है, पर उनके पास एक काफी स्टेबल टीम है, बैटिंग के अलावा बॉलिंग भी अच्छी, इस वजह से मेरे को लगता है कि सुपरनोवा ये मुकाबला जीतेगा। और ट्रेल ब्लेजर्स ऑलरेडी फाइनल में आ चुके हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है इस मुकाबले के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।